फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द लीजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 के जितने भी एपिसोड रिलीज हुए हैं उनके रिव्यू के बारे में दोस्तों, और सीजन 4 के रिलीजिंग अपडेट के बारे में, जो कि कुछ उसके नई अपडेट निकल के सामने आई है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लीजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 के जितने भी एपिसोड रिलीज हुए उनके बारे में दोस्तों। इसमें टोटल 6 एपिसोड को रिलीज किया गया और सारे एपिसोड्स की जो लेंथ है दोस्तों 30-30 मिनट की है। इस वजह से 103 घंटे का वो देखने को मिलता है आपको। उसके बाद अभी बात करते हैं शो के सीजन 4 के रिलीजिंग अपडेट के बारे में। अभी उससे पहले एक चीज और कि शो में जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं, फिर जितने भी चीजें दिखाई गई वो सारी कमाल की दिखाई गई हैं, और इसके जो VFX को दिखाया गया दोस्तों इसमें वो काफी कमाल का दिखाया गया दोस्तों। और जितने सीजन 1 और सीजन 2 थे उनसे भी कहीं तगड़ी इसकी स्टोरी बनाई गई, उनसे भी कहीं तगड़ी इसकी ग्राफिक्स को दिया है इन लोगों ने। अभी बात करें सीजन 4 के रिलीजिंग अपडेट के बारे में, या फिर इसके जो कह लें आप एपिसोड 7 के रिलीजिंग अपडेट के बारे में, तो उसके लिए आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एपिसोड बाकी हैं उसको अप्रैल मंथ में लोग रिलीज करेंगे दोस्तों, जिसका कन्फर्मेशन मिल चुका है। और अप्रैल मंथ में किस डेट पर रिलीज करेंगे इसका कन्फर्मेशन नहीं मिला दोस्तों, और इन फ्यूचर इसका कन्फर्मेशन मिलेगा मुझे, तो मैं आप सबको वीडियो थ्रू बता दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर भाई आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों।